आयशाज़ किचन में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। उसके लिए सबसे पहले हाफ के जी मैंने चिकन ले लिया है। उसके अलावा मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने उनकी पेस्ट बना ली है। एक कप कर दें आप टेट्रा क्रीम, और मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। और स्पाइसेस जो जाएंगे उनमें वाइट पेपर है, सूखा धनिया क्रश किया हुआ है और नमक है, प्लस हरी मिर्चें हैं। और ये जी मैंने रखा हुआ है एंड में बिगार देने के लिए, 1 क्यूब मक्खन है और उसमें ज़ीरा कलौंजी प्लस वाइट तिल, ये हम ऐड करेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगी। हाफ कप मुझे ऑयल चाहिए और ये है जी 1 कप दही। अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया पैन में और उसमें चिकन डाल दिया है। हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जी साथ ही प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी और मज़ीद 5 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसकी भी भुनाई करेंगे। अभी 3 मिनट हुए हैं, इस पॉइंट पे हम ये वाइट पेपर, सॉल्ट एंड क्रश सूखा धनिया ये भी हम ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें 1 1 टेबल स्पून है। चलें जी 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और मज़ीद कुक करूँगी ताकि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही ऐड करने के बाद साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर गए, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम भी मिक्स कर दिया है, अब अगेन हम इसको इतना कुक करेंगे कि ऑयल किनारों पे आ जाए। जब तक चिकन कुक होती क्रीम के साथ, यहाँ पर मैं बिगार की तमाम चीज़ें डाल रही हूँ, मक्खन, ज़ीरा, वाइट तिल और ब्लैक तिल। बिगार रेडी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। मज़ीद 5 मिनट गुजर गए और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी कढ़ाई रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ बिगार के साथ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी वाइट कढ़ाई की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।